हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ज्योमेट्री एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड। पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था, जहां हमने तकरीबन उसे तीन पार्ट्स में कंप्लीट किया। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे कहा था कि आपको प्रूफ वाले सम्स को बहुत अच्छे से करना है। आज जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, जो इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज है, जो कि काफी ईजी एक्सरसाइज है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था पिछली एक्सरसाइज से एक सम जरूर होगा, वैसे इस एक्सरसाइज से भी आपको एक सम जरूर आएगा। मतलब सेम अगर एक्सरसाइज का सम नहीं हुआ तो प्रॉब्लम है या कहीं से आपको उस तरह से मिलता जुलता एक सम जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन देखने हैं। सो बेसिकली बेटा ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन ये हो सकते हैं कि अगर आप सपोज करो एक पॉइंट पर खड़े हैं, अपने सिटी में खड़े हैं और आप वहां से एक प्लेन को देख रहे हैं, तो आप और प्लेन के बीच में डिस्टेंस, या दो बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस, या आप और सी के, सपोज करो आप सी के बाहर खड़े हैं, सी शोर पर खड़े हैं और अंदर बड़ी सी एक शिप खड़ी है, तो आप और उसके दरमियान का डिस्टेंस या उसके दरमियान का जो एंगल है वो, ये सब आप कहाँ से निकाल सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा इसके अंदर कुछ बातें हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही अगर मतलब मैं जाऊँ बारीकी से कि ये तीन बातें हैं, तो मैं उसको एकदम नॉर्मल और सिंपल भाषा में बताता हूँ। आपको तीन चीजों के बारे में हर जगह बताया जाएगा, लाइन ऑफ विजन, एक तो लाइन ऑफ विजन होगा, दूसरा होगा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, और तीसरा होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो लाइन ऑफ विजन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है और एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो तीन चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, लाइन ऑफ विजन बेसिकली क्या, अगर मैं यहां पर हूं, मैं यहां से देख रहा हूं, सपोज करो ये कैमरा मेरे सामने है, मैं कैमरे को देख रहा हूँ, तो यहाँ सपोज करो ये जो मेरा मार्कर है, यहाँ से सपोज करो मैंने कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस बना लिया, वो मेरा लाइन ऑफ विजन हो गया। यहाँ आंखों से सपोज करो एक लाइन निकल रही है, वो मेरा लाइन ऑफ विजन होगा। अब यहाँ से अगर मैं ऊपर देखूंगा तो मैं एंगल ऑफ एलिवेशन बनाऊंगा, और इसी पॉइंट से मैं जब नीचे देखूंगा तो मैं एंगल ऑफ क्या बनाऊंगा, डिप्रेशन बनाऊंगा। याद रहेगा, बस इतनी ही बात याद रखो। लोग डायग्राम बना रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की उसको जरूरत नहीं है, एग्जाम में वो आता नहीं है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को तो छोड़ो, सिंपल सी चीजें समझ गए। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर प्रॉब्लम्स कैसे होंगे? इसके अंदर प्रॉब्लम बेसिकली जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूलाज पढ़े थे, जैसे साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है, कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो बेसिक फॉर्मूले रिवाइज कर लो तो वो काम आएंगे। इसके अलावा जो हम प्रॉब्लम्स करेंगे काफी ज्यादा डिस्क्रिप्टिव होंगे। ठीक है, तो फिलहाल जो मैं वीडियो में प्रॉब्लम करा रहा हूँ उसमें ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहा हूँ। अगर आपको उसका डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप मुझे बताएंगे, मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपलोड कर लूंगा और वहां से आप नोट डाउन उसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ पहले प्रॉब्लम में डिस्क्रिप्शन लिखूंगा। ओके, चलो शुरुआत करते हैं, क्या होगा देखते हैं प्रॉब्लम क्या है और कैसे। ठीक है, तो ये तीन बातें हो गई, ये हमने पढ़ लिया, अब हम इसे देखते हैं कैसे करेंगे, ये देखते हैं। हमारा पहला प्रॉब्लम एक्सरसाइज नंबर 6. कौन सा है, 2 है ना, एक्सरसाइज नंबर 6.2। ठीक है, पहला प्रॉब्लम क्या है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। ठीक है, तो सपोज करो पहला प्रॉब्लम हमारा है, पर्सन का नाम सपोज करो ए है और यहाँ पर चर्च है बी। ठीक है, मतलब ये चर्च है, ठीक है, यहाँ पर चर्च है, पर्सन और उसके बीच में डिस्टेंस कितना है, 80 मीटर का डिस्टेंस है। अब चर्च होगा तो उसकी अपनी कुछ हाइट होगी, तो सपोज करो यहाँ तक चर्च की पूरी बिल्डिंग, जैसे इसकी नाम देते। अब यहाँ से आदमी उस चर्च की टॉप को देख रहा है, अब यहाँ से जब टॉप को देख रहा है तो नीचे से ऊपर जब देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनना है, 45 डिग्री का बनना है। ठीक है, चर्च सीधा खड़ा होगा तो जमीन के साथ इसका एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, आपको पूछा है चर्च की हाइट फाइंड आउट करनी, चर्च की हाइट ये है, मान लो कि ये h है, तो आपको ये निकालना है कि h कितना होगा।
इतनी बात समझ गई? ठीक है ठीक है, फिर से मैं बता दूं क्या बोला मैंने। मैंने कहा कि पर्सन ए है और यह चर्च है की बिल्डिंग है। पर्सन ए और चर्च की बिल्डिंग के बीच में 80 मीटर का फासला है। अब यहाँ से पर्सन ए चर्च के टॉप पर देख रहा है, जब चर्च के टॉप पर देखता है तो एंगल कितना बनाता है 45 डिग्री का, और ये यहाँ पर क्या उसकी हाइट है। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद अब आपको चर्च की हाइट निकालनी है कि चर्च की हाइट क्या होगी। अब चर्च की हाइट निकालने के लिए पहला क्वेश्चन में मैंने जैसे कहा था मैं डायग्राम का डिस्क्रिप्शन दूंगा, तो मैं यहाँ पर आपको डायग्राम का डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ अपन ऐसे लिखेंगे इसके लिए, लेट ए बी बी दी डिस्टेंस बिटवीन, ए बी बी दी डिस्टेंस बिटवीन चर्च एंड दी पर्सन। ठीक है, देयर फॉर ए बी कितना है बेटा 80 मीटर। ठीक है, इतना समझ गए, अब ये हो गया। अब यहां तक होने के बाद ये तो हो गया, ए बी कितना आ गया 80 आ गया। लेट बी सी बी दी हाइट ऑफ चर्च लेंगे, लेट बी सी बी दी, आप अपने हिसाब से भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है इसका लिखने का। ठीक है, लेट बी सी बी दी हाइट ऑफ चर्च, लेट बी सी बी दी हाइट ऑफ चर्च, अगर बी सी हाइट है चर्च का तो बी सी क्या है, बी सी को हमने क्या लिया डायग्राम में, एच लिया है। ठीक है, आगे ये वाला एंगल का नाम क्या है, सी ए बी नाम है। मेजर ऑफ एंगल सी ए बी कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, बराबर। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया आपको 45 डिग्री दिया है। ठीक है, अब यहां तक हो गया, ये थीटा है, ये 90 है, 90 के सामने वाली साइड क्या होगी बताओ, हाँ हाइपोटेन्यूस होगी। थीटा के सामने वाली साइड कौन सी होगी, अपोजिट होगी, और जो बच जाएगा वो क्या है, एडजेसेंट है। ठीक है, तो देखो मेरे को एडजेसेंट साइड दी और अपोजिट मुझे निकालनी है, तो अपोजिट और एडजेसेंट को मिला के कौन सा रेशियो बनता है, 10 का, कॉट का भी बनता है वैसे, मान लो 10 या कॉट का, तो 10 का रेशियो बनता है। तो देयरफॉर हम 10 थीटा अप्लाई करेंगे यहां पर, देयरफॉर बाय अप्लाइंग 10 थीटा, 10 थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, बराबर। थीटा का वैल्यू क्या आएगा 45 का, तो यहां क्या आएगा 10 45। अपोजिट साइड का नाम क्या है, अपोजिट साइड का नाम है BC, एडजेसेंट साइड का नाम क्या है AB। 10 45 का वैल्यू क्या होता है 1, BC का वैल्यू क्या है 80, AB का वैल्यू क्या है H, H बनता क्या हो जाएगा H, तो ये कितना आएगा 80 मीटर। ठीक है, तो फाइनल कंक्लूजन क्या आएगा, देयरफॉर द हाइट ऑफ चर्च इज 80 मीटर। समझ गए, अगर आपके मन में यह आ रहा है कि सर यहाँ पर टेन थीटा के अलावा कॉस थीटा साइन थीटा अप्लाई कर सकते थे, अगर साइन थीटा अप्लाई करते तो हाइपोटेनियस अपोजिट और हाइपोटेनियस लेना पड़ता, हाइपोटेनियस तो मुझे निकालना ही नहीं है तो मैं क्यों नहीं करूंगा। ठीक है ना, तो आपका जो भी इंटरेस्ट होगा उसको देखो, उसको मिलाकर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनता है उसको ले लो। तो सबसे पहले करेक्ट डायग्राम बनाना, एग्जाम में डायग्राम बनाना कंपलसरी है, उसके नीचे करेक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना, उस पर ही मार्क्स है, उसके बाद फिर आंसर निकालना उस पर मार्क्स है। ये फाइनल स्टेटमेंट अगर नहीं लिखोगे तो आधा मार्क्स कट हो जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लो इसको, पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम जाएंगे दूसरे सवाल पर। ठीक है, तो हमारे दूसरे सवाल के हमारा दूसरा सवाल है, ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं। From the top of a lighthouse, an observer looking at a ship makes an angle of depression 60 degree. ठीक है, लाइटहाउस पर है जहाँ से शिपों को देखा जाता है, वहां से वो शिप को देख रहा है ऐसे। सपोज करो मैं आऊँ जमीन को अभी देख रहा हूँ, मैं वहां पर एक शिप है, ठीक है 60 डिग्री पर है। If the height of the lighthouse is 90 meter, find how far the ship is from the lighthouse. आपको find out करना है कि lighthouse से ship कितना दूर है, ये find out करना है। कैसे करेंगे ये देखते हैं। Question number 2 है, ठीक है सपोज करो ये शिप है आपकी ए पर, यहां से बी है और ये सी जो है ये लाइट हाउस है। लाइट हाउस की जो हाइट है वो 90 मीटर है, यानी कि ये 90 मीटर है। यहाँ के टॉप पर मैं हूं, सपोज करो ये मैं हूं, ठीक है यहाँ के टॉप पर मैं खड़ा हूं, यहां से मैं उस शिप को देखा जो एक पॉइंट ए पर है।
जब मैं यहां से शिप को यहां नीचे की तरफ देखूंगा तो यहां एक एंगल बनेगा, वो एंगल जो होगा मतलब नीचे जाएगा तभी तो एंगल बनेगा ना, वो जो एंगल जो होगा 60 डिग्री का बनेगा बनेगा। अब वो 60 डिग्री का एंगल कंप्लीट करने के लिए मैं यहां से एक लाइन बना रहा हूं, तो ये कितना होगा 60 डिग्री। और अगर तुम इसको देखोगे, सॉरी मैं इस पॉइंट को ज्वाइन नहीं कर पाया, यहां पे इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। हाँ समझे ना ये 60 डिग्री कैसे आया, सॉल्व ऐसे हुआ, घबराना नहीं है, ठीक है। ये 60 क्यों आया समझा, क्योंकि मैं इस पॉइंट पे हूं ना, मैं यहां से जब देखूंगा तो अगर मैं यहाँ, ये मेरा लाइन ऑफ विजन है, ठीक है ना। अब यहां से मैं देखूंगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे बनेगा, तो ये और ये लाइन के बीच में से इसी एंगल पे तो नीचे देखूंगा मैं, ठीक है। अब यहां देखो जेड शेप बन रहा है, ऑल्टरनेट एंगल हो रहा है, तो ये 60 है, तो ये भी कितना होगा 60 होगा, समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह से ये 60 होगा, ये यहाँ पे स्ट्रेट होगा तो ये कितना होगा 90 होगा। आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है ना, कि शिप और लाइट हाउस के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो उसे हम x मान लेते हैं। अरे बात समझे, मैं डिस्क्रिप्शन भी लिख देता हूँ इसके लिए, ताकि तुम्हें समझने आए कि क्या होगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, हाँ तो लेट ए बी क्या होगा बोलो, बी द डिस्टेंस, बी द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड लाइट हाउस, शिप और लाइट हाउस के बीच में जो डिस्टेंस है वो बराबर। देयरफॉर ए बी को हमने क्या मान लिया, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू क्या मान लिया, एक्स मीटर मान लिया, ठीक है। अब लेट बी सी बी दी हाइट ऑफ लाइट हाउस, ठीक है, लेट बी सी बी दी हाइट ऑफ लाइट हाउस होगा, तो दिखेगा ना यहां पर आपको, मैं ऊपर लिख देता हूं उसको इसके आगे से, हाँ ये लाइट हाउस है। देयरफॉर बीसी कितना होगा, बीसी होगा 90 मीटर, बीसी कितना आ गया आपके पास 90 मीटर आ गया, ठीक है। तो बीसी कितना हो गया 90 मीटर हो गया। अब इसके अलावा ये वाला एंगल का नाम यहाँ पे डी ले लेते हैं, ठीक है। मेजर ऑफ एंगल डी ए बी, डी सी ए सॉरी, मेजर ऑफ एंगल डी सी ए, ये क्या है एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है। और क्वेश्चन के हिसाब से वो कितना दिया हुआ है 60 डिग्री है बराबर। और फिर हम ये वाले एंगल को इसके एंगल के इक्वल लिख देते, क्यों, क्योंकि ट्राइंगल में सॉल्व करने के लिए आसानी होगी ना। तो आगे हम लोग देते हैं मेजर ऑफ एंगल डी सी ए, ये किसके इक्वल है, डी सी ए किसके इक्वल है, सी ए बी के इक्वल है, इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। रीजन क्या आएगा, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। मान कर चल रहे हैं कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, तो ये क्या आ गया बेटा आपका ऑल्टरनेट एंगल। हाँ तो ऑल्टरनेट एंगल से ये क्या हो गया, आ गया। अब इसी पर आते हैं, अब पता है ट्राइंगल में कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी। पिछला ट्राइंगल पिछला समय ना मैं लिखना भूल गया था, एबीसी ट्राइंगल ऐसा कुछ, तो उस पर लिखा करो। सो इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, हाइपोटेन 90 के सामने जो हो गया हाइपोटेनियस है, थीटा के सामने जो है हो गया अपोजिट है, और यहां पर क्या है एडजेसेंट है, ठीक है, फेयर इनफ। तो ये ट्राइंगल एबीसी में क्या होगा, इस ट्राइंगल एबीसी में ये होगा कि आपको निकालना क्या है, एडजेसेंट और अपोजिट है। अगेन अपोजिट और एडजेसेंट में मिला के टेन थीटा ही बनता है इस बार भी, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होगा, ये मानते हो। और थीटा की जगह क्या आएगा, थीटा की जगह आ जाएगा 60। अपोजिट साइड का वैल्यू क्या है, अपोजिट साइड का नाम क्या है बीसी, एडजेसेंट का नाम क्या है एबी। टेन 60 कितना होता है रूट थ्री, टेबल तो आता होगा। बीसी कितना है 90 है, एबी क्या है एक्स है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये एक्स को यहाँ मिला, रूट थ्री को यहाँ मिला, तो ये जाएगा 90 अपॉन रूट थ्री। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो, क्लास 9 में रियल नंबर्स में किया था, एक्सरसाइज नंबर 2.3 में लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, वही करना है यहाँ पर। तो रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो अगर ये रूट थ्री इसको बाहर निकालना है तो यहाँ भी रूट थ्री से करना पड़ेगा और यहाँ भी रूट थ्री से, क्योंकि रूट थ्री से मल्टीप्लाई होगा तभी रूट से बाहर आएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 90 रूट थ्री हो जाएगा, और रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री हो जाएगा, थ्री वन जा थ्री थ्री जा थ्री जीरो जा, तो ये 30 रूट थ्री आ रहा है। अब कुछ लोग जो हैं, अगर रूट थ्री का वैल्यू 1.73 दिया है तो 30 इंटू 1.73 करो और इसका फाइनल आंसर निकालो और स्टेटमेंट लिखो
therefore the distance between the ship and the lighthouse is this meter. अगर इतना ही दिया तो इतना ही आंसर लिखना उसका, समझ गए? तो इसका डिस्क्रिप्शन के साथ तुमको इसका लिखा दिया, होप सो समझ रहे आया होगा तुमको, ठीक है? ओके, हम अगले सवाल की तरफ बढ़े हैं। चलो ये लिख लिए, ये होने के बाद अब हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, ठीक है? तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये तो क्वेश्चन नंबर टू हो गया। तो ये होने के बाद अब हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर थ्री जो है, टू बिल्डिंग आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ साइड ऑन अ रोड विद अ विड्थ ऑफ 12 मीटर। दो बिल्डिंग एक यहां पर है और यहां पर है और दोनों के बीच में जो फासला है वो 12 मीटर का है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन टॉप ऑफ सेकेंड बिल्डिंग इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। क्या करते हैं, एक बिल्डिंग पर वो चढ़ेगा जो 10 मीटर की है, वहां से दूसरी बिल्डिंग को देख रहा है जिस पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। यानी इसका मतलब क्या है, आप पहली बिल्डिंग से जब दूसरी बिल्डिंग को देख रहे हो और वहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इसका मतलब ये है कि आप जिस बिल्डिंग पर आप खड़े हो वो छोटी है, क्योंकि अगर वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो सामने वाली बिल्डिंग क्या होगी, बड़ी होगी। तो वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। आपको पता लगाना है सेकेंड बिल्डिंग की हाइट क्या है, ठीक है? कैसे करेंगे इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन भी लिखूंगा, समझना खुद से, चाहिए तो वो इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है? तो कैसे करेंगे, ये क्या है, यहाँ पर ए बी है, हाँ ये एक पहली बिल्डिंग है जो 10 मीटर की हाइट पर है, दूसरी बिल्डिंग जो इससे बड़ी होगी, मैं इसको यहाँ दे देता हूँ ना, ये सी है ये बी है और दोनों बिल्डिंग के बीच में गैप है ना, ये जो चौड़ाई है कितनी है, 12 मीटर की क्या चौड़ाई है, ठीक है? अगर ये 12 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन है ई बना लो, अगर ये 12 मीटर है तो लॉजिकल ये भी कितना होगा, 12 मीटर होगा, ठीक है? अब इस बिल्डिंग के टॉप पे आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ और इस बिल्डिंग के टॉप पे आने के बाद इस बिल्डिंग के टॉप को देखोगे तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है? अच्छा ये बताओ, अगर ये ए बी 10 है तो इसके सामने ये सी ई जो आएगा वो भी कितना होगा, 10 होगा। दूसरी बिल्डिंग की पूरी हाइट पता लगा ली, इतनी तो 10 है, ये नहीं पता तो इसे एक्स मान लो और यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना? मान कर चलो ना, ये इसके साथ बेस के साथ ये जो लाइन बनेगी वो कितना बनाएगी, 90 डिग्री का, ट्रिग्नोमेट्री का है ना, ठीक है? सारी इंफॉर्मेशन हो गई। तो ए बी सी के बराबर डायग्राम के हिसाब से, बी सी ए के बराबर डायग्राम के हिसाब से, पहली बिल्डिंग के टॉप से दूसरी बिल्डिंग के टॉप पे देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा, 60 डिग्री का। आपको एक्स निकालना है, आप इतने ये नीचे वाले जो रेक्टेंगल उसको छोड़ दो, ऊपर वाला खाली ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, इन ट्राइंगल ए डी ई, ये दिख रहा है ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ए डी ई में एक एक कर जाते हैं, ये सामने अलग गया है बोलो हाइपोटेनियस है, ये थीटा के सामने अलग गया होगा अपोजिट होगा, और ये जो हो जाएगा ये बच जाएगा वो क्या, एडजेसेंट है ना, इतना ट्राइंगल है ना आपके पास। तो आपका इंटरेस्ट किस में है, एडजेसेंट दिया है अपोजिट दिया है, अपोजिट और एडजेसेंट को मिलकर आपके पास अगेन क्या बनेगा, टेन थीटा ही बनेगा, ठीक है? तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। हाँ तो अब यहाँ पर थीटा की जगह क्या आएगा, 60 आ जाएगा। अपोजिट साइड का नाम क्या है, अपोजिट साइड का नाम है डीई, एडजेसेंट साइड का नाम क्या है, ए। हाँ 60, टेन 60 क्या होगा, रूट 3 होगा। डीई क्या है मेरे पास, एक्स है, ए क्या है हमारे पास, 2L है। इसको यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2L रूट 3 आ जाएगा, ठीक है? तो ये इतना ऐसा 12√3 आ गया और ये कितना है, 10 है। तो बिल्डिंग की टोटल हाइट क्या होगी, x प्लस 10 और इसकी जगह ये आएगा। मतलब अगर चाहो तो रूट 3 जो है 1.73 करो, 12 से मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा उसमें 10 ऐड करो। अगर ऐसे नहीं समझ रहा तो जो बोल रहा हूँ वो करो। तो हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग क्या आएगी, देयरफॉर हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग क्या होगी बताओ, हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग जो हमें निकालनी है वो कैसे निकालेंगे, हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग होगी डी प्लस सी डी प्लस ई सी, डी एक्स था और एक्स क्या मिला, 12√3 मिला, प्लस ये क्या होगा, 10 होगा, और इसे मीटर में नाप दो, ठीक है? ज्यादा ज्यादा किसी को लगे कि हमको फाइनल आंसर चाहिए सर, तो 1.73 से मल्टीप्लाई करो, 12 को उसमें 10 ऐड करो, यू विल गेट द आंसर,
समझ में आया? दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर थ्री, ठीक है? ओके, अब क्वेश्चन नंबर थ्री के बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ, ठीक है? तो ये भी क्वेश्चन का आपको कंप्लीट होता, इसका डिस्क्रिप्शन खुद से लिखना, अगर नहीं है डाइजेस्ट में देख सकते हो, वहां से भी नहीं समझे तो बोलना, इंस्टाग्राम हैंडल पर डाल दो उसको, ठीक है? क्वेश्चन नंबर फोर है अब, और फाइव और सिक्स तीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं पहले। फोर क्या है? टू पोल्स ऑफ हाइट 18 मीटर एंड 7 मीटर इलेक्टेड ऑन अ ग्राउंड, दो पोल्स एक 7 मीटर और एक 18 मीटर का। द लेंथ ऑफ द वायर फास्टिंग एट द टॉप से 22 मीटर, मतलब एक पोल के टॉप से दूसरे पोल के टॉप पर एक वायर बांधा गया और वो वायर की जो लेंथ है वो कितनी है, 22 मीटर की लेंथ है। फाइंड द एंगल मेड बाय द हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब क्या है, सबर करो मैं बताता हूं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में सपोज करो ये ए बी है, ठीक है, और ये जो है वो सी डी है, ठीक है, मतलब ये पहला पोल है और दूसरा पोल है, एक मिनट। तो और सपोज करो इसको ज्वाइन करने वाली लाइन ये है, इन दोनों के बीच में गैप आपको दिया है, यहाँ तो गैप तो दिया नहीं है, तो ये 12 कहाँ से लिया गया, 2 पोल 8 इन 7 मीटर, ठीक है, अच्छा देखते हैं पहले, चलो यहाँ देखो, हाँ तो इसका पहले वाले पोल का लेंथ सपोज करो 7 है, ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ जॉइन कर लो, ये 8 मिनट है, तो ये 7 है, अगर ए बी 7 तो ये भी कितना होगा, 7 होगा, इस पोल की टोटल हाइट कितनी थी, 18 थी, अरे 18 थी या नहीं थी, तो 18 में से 7 चला गया तो ये कितना बच जाएगा यहाँ पे 11, तो ये इतना हिस्सा कितने का आ जाएगा, 11 का आ जाएगा, समझ में आया कैसे आया, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये टोटल 18 था, तो ये 7 हो गया और ये 11 हो गया। अब इसके रोप से यहाँ पर एक रोप बांध दी गई है जिसके टोटल ये कितना है, 22 मीटर है। एंगल मेड बाय हॉरिजॉन्टल यानी कि आपको ये पता लगाना है ये कितना होगा, ठीक है, अच्छा फेयर इनफ, इतना समझ गए, हाँ डिस्क्रिप्शन इसका आपको मिल जाएगा। अब हमें ये वाला थीटा पता लगाना है कि क्या होगा, देखो कैसे पता लगेंगे, ऊपर वाला ट्राइंगल अज्यूम कर लो, ये ट्राइंगल ए डी ई, ये वाला ट्राइंगल ए डी ई, तो आपने ये ट्राइंगल ले लिया ए डी ई, ए डी ई ट्राइंगल में देखो ये कौन सी साइड है, हाइपोटेनियस है, ये थीटा के सामने कौन सी है, अपोजिट है, बताओ अपोजिट और हाइपोटेनियस को मिलाकर क्या बनेगा, साइन थीटा, तो अब की बार साइन थीटा कंसिडर कर लो, खुश हो गया, तो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट कौन क्या होता है बताओ, हाइपोटेनियस होता है, बराबर, अब की बार थीटा तो पता ही नहीं तो साइन थीटा लेगा थीटा ही आएगा, अपोजिट साइड का नाम क्या है, अपोजिट साइड का नाम डी है, हाइपोटेनियस का नाम क्या है, ए डी है, साइन थीटा थीटा वैसे ही रहेगा, डी क्या है, डी 11 है, ए डी क्या है, 22 है, 11 वन जा 11 टू जा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, अगर साइन थीटा 1/2 आ गया, मुझे बताओ साइन का कौन सा वैल्यू जो 1/2 देता है, टेबल में चेक करो, साइन 30 होता है, तो अगर कंपेयर कर लिए तो इससे क्या मालूम पड़ा, थीटा कितना आएगा, 30, आपको थीटा ही निकालना था ना, एंगल मेड बाय हॉरिजॉन्टल, तो फाइनल कंक्लूजन क्या आएगा, देयरफॉर द एंगल मेड बाय हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्री, क्या बनेगा, 30 डिग्री बनेगा, फेयर इनफ, समझने आया, ओके, अच्छा अगर अब ये हो गया तो अब जाएंगे हम अगले सवाल की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो क्या है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, मैं क्वेश्चन नंबर 5 कराता हूँ, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, करके देखो आपको समझ आता है नहीं आता, नहीं आता तो पूछ लेना। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 आखिरी सवाल होगा हमारे लिए, इसके बाद वाला एक क्वेश्चन हम करके ट्राई करके देखेंगे, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, तो देखो कैसे होगा ये, इसको करने के लिए अ स्ट्रॉन्ग ब्रोक अ ट्री एंड ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक स्टॉर्म आया, झाड़ गिरा, झाड़ गिरने का तो अपनी जड़ से कितना दूर गिरा है, 20 मीटर की दूरी पर गिरा है, मतलब ये झाड़ था और ये झाड़ ऐसे गिरा, गिरने के बाद तो मतलब वो समझ लो उसका कुछ हिस्सा ऐसे गिरा है, टोटल नहीं गिरा, ठीक है। हाँ इतना हुआ, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, और जहाँ गिरा है वहां से कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है कैसे करेंगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है। सपोज करो ये टोटल ट्री था जो था ए बी, हाँ अब यहाँ से बी सी वाला हिस्सा गिर गया नीचे, तो ए बी वाला हिस्सा नीचे गिरेगा, सपोज करो ट्री का बेस है, हाँ अब यही वाला हिस्सा नीचे गिर रहा है, तो मतलब ये बी ऐसे नीचे आ रहा है, तो अब बी कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो यही बी नीचे आ जाएगा यहाँ पर, फेयर इनफ। और यहाँ पर आने के जो एंगल बनाएंगे यहाँ पर वो कितना होगा, 60 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। और वो ट्री के टॉप से यहाँ से जो बेस से गिरेगा वो कितना दूर गिरेगा, 20 मीटर की दूरी पे गिरेगा, मान कर चलते हैं ट्री स्ट्रेट होगा 90 डिग्री पर, ठीक है। तो आपको पता लगाना है इस ट्री की हाइट क्या है, टोटल हाइट आपको पता लगाना है कि इस ट्री की टोटल हाइट क्या होगी, कैसे पता लगाएंगे ये देखते हैं। देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, इस ट्री की टोटल हाइट ये है, मैं इस ट्री की इस पार्ट को एक्स नाम दे देता हूँ, इस पार्ट को वाई नाम देता हूँ, और यही पार्ट यहाँ गिरा है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, यानी कि इस टोटल ट्री की हाइट, जो टोटल हाइट है इस ट्री की वो क्या होगी, एक्स प्लस वाई होगी, फेयर इनफ। अच्छा करेंगे कैसे इसको, करने के लिए एक एक करके एक एक चीज निकालेंगे, ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया, थीटा के सामने आ रहा है तो क्या हो गया, अपोजिट हो गया, और ये क्या हो गया, एडजेसेंट हो गया। ट्राइंगल कंसिडर करो, इन ट्राइंगल ए बी सी, कौन सा ट्राइंगल है, ए बी सी ट्राइंगल, अगर इस ए बी सी ट्राइंगल को आप देखेंगे तो आपको कुछ नजर आएगा। आप सबसे पहले सपोज करो मैं एक्स निकालना है, तो हाइपोटेनस निकालना है, और दिया क्या, एडजेसेंट दिया है, एडजेसेंट और हाइपोटेनस को मिलाकर क्या बनेगा, कॉस थीटा बनेगा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, बराबर, तो कॉस थीटा मेरा क्या हो गया, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस हो गया। अब कॉस की जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, cos 60 का वैल्यू आ जाएगा, एडजेसेंट का नाम क्या है, ए बी नाम है, हाइपोटेनियस का नाम क्या है, बी सी नाम है, ठीक है। cos 60 का जो वैल्यू लिखेंगे, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो वो लिख दिया यहाँ पर 1/2, ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी का वैल्यू 20 है, और बी सी का वैल्यू क्या है, एक्स है, एक्स 1 था एक्स हो जाएगा, और 22 था कितना हो जाएगा, 40, तो इतना हिस्सा जो है, यानी कि ये हिस्सा जो गिरा है वो कितना है, 40 मीटर है, एक्स आ गया आपका बराबर, x मिल गया आपको। अब क्या निकालेंगे हम, y निकालेंगे, y निकालने के लिए अपोजिट और एडजेसेंट को लेना पड़ेगा, अपोजिट और एडजेसेंट को लेकर क्या बनता है, tan थीटा बनता है, है ना, तो यहाँ पर फिर से अगर लेंगे तो tan थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, बराबर, थीटा अब की बार भी सी चीज लेंगे सेम है, अपोजिट साइड का नाम क्या है, ए सी, एडजेसेंट साइड का नाम क्या है, ए बी, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, AC का वैल्यू क्या है, Y, AB का वैल्यू क्या है, 20, तो Y क्या हो जाएगा, 20√3 हो जाएगा, बराबर या नहीं। अब ये होने के बाद, अब ये टोटल जब आप मिलाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 + 20√3, तो आपका टोटल हाइट जो आएगा, मैं यहाँ पर लिख दूँ, देयरफॉर द टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज 40 + 20√3 meter, समझ गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको करना। तो इस तरह से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 6 जैसे मैंने कहा था आपके लिए होमवर्क में, अगर नहीं समझना है तो व्हाट्सएप पर पूछ लो, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं उसको सॉल्व करके आपके सामने बता दूंगा। इस तरह से आपका ये चैप्टर भी खत्म होता है। अब तक हमने ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और सिमिलैरिटी, ये 3 चैप्टर अपलोड कर चुके हैं, तो उसको देखिए, ऑलमोस्ट हाफ बुक अपलोड हो चुकी है अब, ठीक है, ओके। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर कोई डाउट होगा तो ज़रूर मेंशन करें, कोई इम्प्रूवमेंट कर